मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और इंदौर के नवनिर्वाचित सांसद शंकर लालवानी के बीच मजेदार संवाद देखने को मिला। जी हां, ये मौका था महाराणा प्रताप की जयंती के कार्यक्रम का, जहां दोनों के बीच खूब जमकर हंसी मजाक भी हुआ। देखिए इस खास खबर में। लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के बीच काफी बयानबाजी देखी गई, लेकिन चुनाव के बाद जब ये दोनों दूर विरोधी नेता एक मंच पर नजर आए तो लोग हैरान रह गए। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने नवनिर्वाचित सांसद को तलवार भेज कर उनका स्वागत किया। आशीर्वाद दिया, इसका ऋणी तो हूँ ही, पर मैं परिवार का भाई हूँ, छोटा सदस्य हूँ, बड़ों का बुजुर्गों का खूब आशीर्वाद मुझे मिलता है। और हमारे नए नव निर्वाचित सांसद, इनको हम ये तलवार सबकी तरफ से आज भेंट करेंगे और इनसे आशा करेंगे कि 5 साल लगातार जैसा पूरे सामर्थ्य से पूरे समर्पण के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी भूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने में कभी कमी नहीं छोड़ी, मैं समझता हूँ वैसा ही विकास के लिए प्राण तो देना मत, विकास में आप सहयोगी बने, हम सबका मान सम्मान बढ़ाए, इंदौर का नाम रोशन दिल्ली में करें, सबसे जोरदार देना तालियों से भैया। इतना ही नहीं, मंच पर मंत्री जी और सांसद जी ने मजेदार संवाद करते हुए दलगत राजनीति से दूर हटकर एक दूसरे को विकास का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी और सांसद लालवानी के बीच खूब हंसी मजाक भी देखा गया। ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर जो जो मुझे कहा आप लोगों ने, जब जब जो आदेश किया, मैं छोटे भाई के रूप में मैंने कोशिश की कि मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप काम कर सकूं। और हवा कैसी हो, चाहे लालवानी जी की हो चाहे मोदी जी की हो, आप लोगों की कृपा मुझ पर बनी, मैं पेट छूकर आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जीतू जिराती जी मंच पर विराजमान, हमारे पार्षद जी, हमारे परिवार के सारे ही हैं, मैं नाम लूंगा तो ज्यादा लंबो हो जाएगा, सबके चरणों में नमन करके सबको प्रणाम करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब ये आयोजन हुआ था, आप लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए मुझे जो जो आदेश किए थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, पूर्ण किए। अभी मुझे फिर हुमान भैया ने कहा कि एक हमारे कदम किरने दे दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, और पहले ये मैं बोला नहीं, लेकिन आज वो बोलना है तो मैं भी पूरा विश्वास दिलाता हूँ, समाज के लिए जब भी जैसा भी आपका आदेश होगा सांसद निधि से मैं करने को तैयार हूँ। एक पांच करो, एक बात और बता दूँ, जब मैं नगर निगम में था, सबसे पहला जो चौराहे का विकास हुआ था, आप सब बुजुर्गों को जो रहेंगे उनको मालूम होगा, जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा चौराहे जो मऊना का बोला करते थे, वो यहाँ पर भी जी है, इस चौराहे पर भी। तो सबसे पहले हमने सौंदर्यकरण करा था उस मऊना के करा, और आज भी प्रतिमा के साथ वो बगीचा बनाया, आपने देखा होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने आए थे। तो जब तो भविष्य में जब भी ऐसा होगा मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, समाज के बीच में खड़ा हूँ। कुल मिलाकर महाराणा प्रताप के आयोजन में मंत्री जीतू पटवारी और सांसद शंकर लालवानी ने अपने अपने अंदाज में महफिल लूट ली। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।